इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। कोटा बैराज से चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चंदूनी के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर पर प्रशासन को ज्ञापन दिया। इस दौरान किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करके चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की। राधेश्याम मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि किशोरपुर जिला कृषि प्रधान जिला है। कृषि ही जिले में मुख्य आय का स्रोत है। व्यापारिक गतिविधियां भी कृषि आधारित है। श्योपुर जिले में धान की फसल का रकबा गत वर्ष की तुलना में अधिक है, जिसके कारण बिजली सप्लाई पर अधिक लोड है, जिसके कारण बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। किसानों की धान की फसल को करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी स्थित कोटा बैराज के ओवरफ्लो पानी को चंबल नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे श्योपुर जिले में किसानों को धान की फसल में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। इसलिए ओवरफ्लो पानी को चंबल नदी में छोड़े जाने के बजाय चंबल नहर में छोड़ा जाए, ताकि किसान धान की फसल को सुचारू रूप से सिंचाई कर सके। चंबल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग नहीं माने जाने की स्थिति में जिले के किसान क्रमिक रूप से हड़ताल, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम करने को बाध्य होंगे। क्षेत्र के किसानों की ओर से कोटा बैराज से चंबल नहर में पानी छोड़े जाने को मांग को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन दिया है और मांग की है चंबल नहर में पानी तत्काल छोड़ा जाए, ताकि किसान अपनी धान की फसल की सिंचाई सुचारू रूप से कर सके। इसके अलावा जो जिले में बिजली समस्या उत्पन्न हो रही है, प्रत्येक फीडर ओवरलोडेड है, उसकी समस्या का समाधान भी चंबल नहर में पानी आने के बाद हो सकता है, क्योंकि जो चंबल कमांड का एरिया है उस एरिया के किसान चंबल नहर के पानी से अपनी धान की फसल की सिंचाई करेंगे तो बिजली की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज हमने प्रशासन से मांग की है, अगर इस मांग को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है, चंबल नहर में पानी छोड़ने की यहाँ से डिमांड नहीं भेजी जाती और पानी छुड़वाने के लिए प्रयास प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में श्योपुर क्षेत्र के किसानों के साथ चंबल नहर में पानी छुड़वाने की मांग को लेकर उग्र व व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।